नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन एक और बातचीत कर रहा है जबकि दूसरी तरफ बंकर सड़क और हेलीपैड बनाता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत उसके बातचीत की चाल में उलझकर उसके न्योते पर चुसूल मोल्डो के चक्कर लगा रहा है। इसी बातचीत की लंबी नौटंकी में एलएसी पर हालात दिन प्रतिदिन बदतर हो चले हैं। चीन की पीएलए ने पेंगोंग झील इलाके में पक्की सड़क और बंकर बनाने के बाद अब हेलीपैड का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि भारत ने भी एलएसी से लगे क्षेत्रों में सेना का मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी जितने चीनी सैनिक और हथियार एलएसी के पार हैं उतने ही भारत ने लगाए हैं। मगर इसके साथ साथ चीन के साथ बातचीत भी चल रही है। यह बातचीत जंग के लिए है या जंग टालने हेतु, यह समझ से परे है, क्योंकि पेंगोंग झील के फिंगर फोर इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या में अचानक वृद्धि से ड्रैगन के इरादों पर संदेह पैदा हो रहा है। यहां पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत और चीन के टेंट के बीच का अंतर 400 मीटर से भी कम रह गया है। दोनों देशों के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों को आसानी से देख पा रहे हैं। पर सवाल यही है कि भारत की सरकार और इंडियन आर्मी अभी चीन को और कितना झेलने के मूड में है। 20 जवानों की शहादत की चिताएं अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है, जबकि सब कुछ जानते हुए भी चीन से वार्ता का क्रम जारी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ था तो मोदी सरकार ने 40 जवानों की 13वीं पर ही पाकिस्तान से बदला ले लिया था। या तो 15-16 जून की रात के बाद 13वीं में 2 दिन ही बाकी रहे हैं। ऐसे में शहीदों का बलिदान क्या इस बार व्यर्थ ही चला जाएगा? लगता तो यूं है कि भारत अभी भी यह निर्णय नहीं कर पाया है कि उसका चीन के प्रति स्टेप क्या होना चाहिए। एलएसी पर युद्धाभ्यास और आसमान में हवाई जहाज उड़ाना समाधान नहीं है। अगर चीन अपने हताहत सैनिकों की संख्या बता देता तब भी सब्र किया जा सकता था, पर उसने कुछ नहीं बताया है और भारतीय हर बीते दिन के साथ बेसब्र हो रहे हैं। मीडिया में जरूर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, पर उससे बेसब्री खत्म होने की बजाय बदले की चाह दमनल का रूप ले रही है। पर यह मामला अब कहीं ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाला हो चला है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना का गश्ती दल अब फिंगर 3 के इलाके में छोटे छोटे बंकर बना रहा है, जबकि देश को यही बताया गया था कि फिंगर 4 पर भारतीय सेना का कब्जा है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पीएलए भारत पेट्रोलिंग पार्टी को फिंगर 2 एरिया में जाने के लिए कह रही है। फिंगर 4 एरिया में चीन पहले ही कई बंकर और कच्ची सड़क को पक्का करने में जुटा है। चीनी सेना का यहां से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। वे इस इलाके से सेना के डी एस्केलेशन पर चर्चा करने के लिए भी इच्छुक नहीं है, यानी अब यह संदेह ज्यादा मजबूत हो रहा है कि सरकार बता कम रही है, छुपा ज्यादा रही है। मिली पुष्ट जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पेंगोंग तसो के करीब 8 किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। मई की शुरुआत में यहां कदम रखने वाले चीनियों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तैयार कर लिए थे। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाकों पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक मौजूद हैं। जब अन्य इलाकों गलवान घाटी और होटी स्प्रिंग्स को लेकर भारत चीन में बातचीत होती रही, चीन ने यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। इसका मतलब यह है कि भारत जिस तरह वर्तमान में चीन से वार्तारत है, उसकी आड़ में चीन दूसरे एरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सेना के सारे मैप दिखाते हैं कि एलएसी फिंगर 8 पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिंगर 3 और 4 के बीच सालों से आईटीबीपी की पोस्ट बनी हुई है, लेकिन पिछले महीने से ही फिंगर 4 और 8 के बीच चीन ने जो कब्जा कर रखा है, पीएलए उस पर बात नहीं करना चाहती है। 1999 में जब भारत का ध्यान कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ पर लगा हुआ था, तब चीन ने अपने बेस से लेकर फिंगर 4 तक कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में इस सड़क को पक्का कर दिया गया। चिंता की बात यह है कि इस वक्त चीनी सैनिक फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाइयों पर मौजूद है, जहां से उन्हें खदेड़ना भारत के लिए बहुत ही कठिन है। वैसे भी भारत सरकार बातचीत में काम कम, टाइम पास ज्यादा कर रही है। भारत केवल अप्रैल वाली स्थिति की बात करके चीन को पीछे लौटने की गुजारिश कर रहा है। अभी तक सेना या सरकार की तरफ से चीन को एक चेतावनी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में लगता नहीं है कि चीन आसानी से वापस लौट जाएगा, इसलिए शहीदों की राख अभी लंबे वक्त तक गर्म ही रहनी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।